मैं तो बस तुम्हें चीयर अप। शट अप! तुम जानती हो इसमें कितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। अब क्या दिखाऊंगा मैं क्लाइंट्स को? बोलो। आई एम सॉरी। अरे बाहर में गए तुम्हारा सॉरी। अब बाहर में गई तुम। परेशान आ चुका हूं मैं तुमसे, तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से। टोटली फेड अप। एक बात याद रखना, एक बात आगे से मेरे काम में अगर दखलंदाजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम होती कौन हो मेरी जगह छुट्टी लेने वाली, मेरी मीटिंग्स कैंसिल करने वाली? मेरे काम में कोई दखलंदाजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आगे से अगर ऐसा किया ना तो तुम्हारे हाथ पछतावे के सवा कुछ नहीं लगेगा, समझी? सुभान मेरी बात तो सुनो, सुभान प्लीज। जो तीर मारा था वो सीधा जाके निशाने पे लगा है। वही देख रही हूँ मैं। और पता है कि तीर सिर्फ निशाने पर ही नहीं लगा है, बल्कि मन्नत के तीर ने इबादत की पेशानी से किस्मत के निशान मिटाने शुरू कर दिए हैं। और जिसे ये खबर सुनकर बहुत खुशी मिलने वाली है उसे तो ये खुशखबरी देनी पड़ेगी। किसे खुशखबरी देनी है दादी अम्मी? मन्नत अप्पी को? नहीं नहीं बेवकूफ, मन्नत को तो पता ही है ना कि ये सब होने वाला है। हमें खुशखबरी उसे देनी है जो मन्नत को कमतर समझ रही थी। समझे कि नहीं तुम? आओ मेरे साथ।